तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार हम जब भी अपने SBI बैंक जाते हैं और वहां से पैसा निकालने के लिए जो फॉर्म फिल करते हैं तो हमको कैसे वो फॉर्म फिलअप करना है प्रॉपर वे में। हिंदी में बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। देखिए, बहुत से भाई बंधु जानते भी हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। जो लोग नहीं जानते ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि आप जैसे ही अपने बैंक जाते हो और किसी से पूछते हो वहाँ पर, तो यार वो हो सकता है बंदा अगर बिजी है दूसरे काम में तो वो आपको वक्त नहीं देगा, यानी कह सकते हो कि आपका फॉर्म नहीं भरवाता है। ऐसे में आप अपने में थोड़ा सा असेंबल्ड महसूस करते हो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे बहुत आसान तरीके से आपको SBI बैंक से पैसा निकालने वाला फॉर्म भरना है और उसको सबमिट करना है, जिससे आप बड़ी आसानी से अपना पैसा जो है विड्रॉल कर पाओ, अपना पैसा निकाल पाओ SBI बैंक अकाउंट से। कैसे करना है इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताने वाला हूं। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो किंतु चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सपोर्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास ये फॉर्म है जिसके ज़रिए आप अपने SBI बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉल कर सकते हो, निकाल सकते हो। मेरे दोस्त, मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आप सबसे पहले तो इस फॉर्म को अच्छे से भरना सीख लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग गलती कर देते हैं और गलती के कारण होता क्या है कि स्टेट बैंक के अधिकारियों को तो आप जानते हो मेरे दोस्त, वो आपको बार बार फॉर्म नहीं देते हैं, खिचखिच बहुत करते हैं। तो आपको मेरे दोस्त करना क्या है, इस फॉर्म को प्रॉपर भरना सीख लेना है और उसको भरने के बाद ही आपको आपके बैंक अकाउंट जाना है और पैसे निकालना है प्रॉपर वे में। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, सबसे पहले तो यार कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ यार आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए फॉर्म लेकर आया हूँ ताकि मेरे दोस्तों कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो यार इसी बात पे अपनी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर की ओर दिया गया है क्या, नेम। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है खाता धारक का या खाता धारकों का नाम, यानी कह सकते हो कि अकाउंट नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, यानी कह सकते हो कि जिसका अकाउंट से आप पैसा निकलवाना चाहते हो आपको क्या करना है, उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। सिंपल में कह सकते हो कि अगर आपको अपने पैसे से, आपको अपने अकाउंट से पैसा निकालना है मेरे दोस्त, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है और नाम लिखने के बाद आपका ब्रांच, आपका जो बैंक है वो किस ब्रांच का है, यानी कह सकते हो कि आपके एरिया की लोकल ब्रांच का नाम क्या है, यानी कह सकते हो कुछ भी हो सकती है भाई, आपके लोकल ब्रांच एरिया का जो नाम होती है वो आपकी पासबुक पर पड़ा होगा। सिंपल में आपको यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देना है, आपके जो SBI ब्रांच का नाम है, और यहाँ पर आपको दिनांक लिख देना है, यानी कह सकते हो डेट लिख देना। क्या लिख देना मेरे दोस्त, आपको डेट लिख देना है उस दिन की जिस दिन आप ये विड्रॉल कर रहे हो, यानी कह सकते हो कि जिस दिन आप पैसा निकाल रहे हो उस दिन का आपको यहाँ पर डेट लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, बहुत आसान तरीका है यार, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत से लोग फिर भी गलती कर देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों गलती कर देते हो मेरे भाई आप लोग। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको खाता संख्या लिख देनी है। क्या लिख देनी है मेरे दोस्त, आपको आपके अकाउंट नंबर लिख देना है, आपकी खाता संख्या लिख देनी है जो कि आपकी पासबुक में पड़ा हुआ होगा। सिंपली अकाउंट नंबर के नाम से पड़ा होगा वहाँ पे, आपकी पासबुक में पहले ही पृष्ठ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपको आपका खाता संख्या लिख देनी है। उसके बाद क्या करना है मेरे दोस्त, अब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है, मैं कृपया मुझे हमें प्लीज पे रुपीज, यानी कह सकते हो कि कितने रुपए आप मांग कर रहे हैं, यानी कह सकते हो कि यहाँ पे आप पहले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अंकों में लिख दीजिए, अंकों में तो जानते हो कि मेरे दोस्त 1, 2, 3, 4 करके होता है, जो आप यहाँ पे पहले अंकों में लिखिए कितने रुपए आपको ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरी तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना है, आप हिंदी में लिख रहे हो तो शब्दों में लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आप 50,000 निकलवा रहे हो तो यहाँ पर पा चास, यानी कह सकते हो कि आपको यहाँ पे शब्दों में लिखना है। क्या लिखना है मेरे दोस्त, आपको शब्दों में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अंकों में लिखना है, यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपके साइन कर देने, क्या कर देने मेरे दोस्त, आपको यहाँ पे आपके साइन कर देने। सिंपली वे में आप वही साइन करिएगा जो कि आपकी बैंक की पासबुक में लगे हुए हो, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आप कोई और साइन करोगे मैच नहीं खाएंगे तो ये आपका जो फॉर्म है पूरी तरीके से वो बंदा वापस कर देगा। तो सिंपल वे में कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे बड़ी सोच समझ के साइन करने, वही साइन करने जो कि आपके बैंक अकाउंट में लगे हुए हो। सिंपल में आपको यहाँ पे साइन कर देने, और साइन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको, अगर आपका मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात, देख पा रहे हैं लिखा हुआ है टेली संख्या, टेली मोबाइल नंबर, टेलीफोन वो भी है, आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। और यहाँ पे अगर आपका पैन नंबर है, यानी आपका पैन कार्ड अटैच्ड है आपके बैंक अकाउंट से, तो सिंपल में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको आपका पैन नंबर डाल देना है। मेरे दोस्त, अगर आपको नहीं पता है कि बैंक अकाउंट SBI बैंक अकाउंट से अपना पैन कार्ड कैसे मतलब जो है यहाँ पे ज्वाइंट करते हैं, तो मैं इस पर वीडियो बनाया हूँ बहुत पहले, आप देख सकते हैं इसी चैनल पर पड़ी हुई है, बहुत सिंपल है। तो मेरे दोस्त, इस तरीके से आपका ये फॉर्म पूरी तरीके से भर चुका है। और इसके बाद क्या करना है, आपको एक पीछे की ओर भी यहाँ पे साइन कर देना है। देखिए होता क्या है, कभी कभार हम यहाँ पे साइन करते हैं तो मैच नहीं खाते हैं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाती हो, इसलिए आपको एक बार और यहाँ पे साइन कर देने, क्या कर देने मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको साइन कर देना और प्रॉपर साइन करने। और साइन करने के बाद आपको अब ये फॉर्म पूरी तरीके से तैयार है और आप अपने फॉर्म लेकर लाइन में खड़े हो जाइए। मेरे दोस्त, लाइन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ तो नहीं होती, लेकिन हाँ फिर भी पर्याप्त भीड़ भाड़ होती है आपके SBI बैंक में। तो सिंपल है, मैं आपको वहाँ पे खड़े हो जाना है ये फॉर्म लेकर, अब 100% आपका
पैसा जो है बटडॉल हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मेरे दोस्त आप लोग चिपके से वीडियो देख लेते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट कर लीजिए अपने भाई को। थैंक यू सो मच।